न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो, गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इसराइल और गाजा की उनसे पूछिए, रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके? क्या ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे के अभी क्या रणनीति? ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप, और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं। और जो बात बोलनी है उनको, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अब आगे का देखा जाएगा, क्योंकि हमें अगर ये जानकारी मिल रही है कि गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पे, तो ठीक है, दिल्ली के स्तर पे जब बात होगी तो की जाएगी, एमपी सीटों पे अगर बात की जाएगी तब देखा जाएगा। अगर मुझे ये पता होता कि प्रदेश स्तर पे कोई गठबंधन नहीं है, वो नहीं है, हमने स्वीकार कर लिया, इसीलिए हमने अपने पार्टी के टिकट घोषित कर दिए, इसमें क्या गलत किया है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे छोटे नेता जो कांग्रेस के हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने छोटे नेताओं से इस तरह के स्टेटमेंट मत दिलवाइए।